बकरी की तरह खा रहे हैं। ओके रेडी स्टेडी गो। मेरे हाथों में क्या जादू है। आपने मीटलोफ सैंडविच के बारे में सुना है क्या? मीटलोफ सैंडविच? नो 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 जो इधर पकाया था हमने खुद वही तो नहीं है? नहीं 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 वो इतना बड़ा डबल रोटी होता है सांप की तरह। सर इधर हमने पकाया था ओवन में पकाया था किसी चीज़ पकाया था। अरे हाँ 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 कीमे से बनता है ना। तो आज हम ये तो सैंडविच खुद बना कर खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल था अट्ठी जो बना कोशिश करा मन ठाई बोने कल ठाई वो कौन है फिर चक्कर है। मैडम टमाटर है डबल रोटी है गोभी है पन्नो ये केक रखा ला ना और ये भी रखा हुआ है कुछ सब्जी का है पता नहीं कौन सी सब्जी का है। ये खीरा तो नहीं लाडिया वांगर जानी ये हैलेपिनोज है खट्टो है जामदा। इसको भी क्या करना है सालन बनाना है ये देख में किधर क्या क्या करना है हमें बताइए ना। ये मीट लोफर को इस तरह रखना इस तरह रखना है टमाटर रखा ये या टमाटो किधर है ये सब आपने रखा मैं क्या रखूंगा। ये टमाटर रखो मेरे दोस्त वो एक है इसको दोबारा छील दो बीच से प्याज प्याज काटना शुरू हो गया भी नहीं भाई ये नहीं डाले बकरी की तरह खा रहे हैं। आइए तो कौन आ रहा है हेलो फिर चाल चाल ना ये कौन सेड़ा जिर धमर फाश मर ये हो गया तैयार भाई माशाल्लाह उस्ताद मसनून बाबा जी। नाजरीन हम ये ट्राई करें जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि अल्लाह बख्तावर के से दाला जजी खुश करे और नमा पानी के नवास ना बिस्मिल्लाह। ये तो चीज मजे की बन गई मैडम। नहीं नहीं अपने हाथों का बात ही कुछ और है ना बाबा। वाह भाई इमो पंजा थंदा ठाया जाय को सैंडविच का हमसे का बिल्कुल नहीं आया सिर्फ प्याज का आया और इस पत्ती का आया। एक कोई चीज ऐसी होती मैं बोल के नहीं मेरा मेरा दिल नहीं करता तो ये वो नहीं है ये खाने के लायक है और दिल भी करा कि इसको खाए बना। इसमें न मिर्चें हैं इतनी ज़्यादा ना इतनी नमक है मैं समझता हूँ नॉर्मली सही है। सैंडविच में ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ इन लोगों ने दो तीन चीज़ों का कम्बिनेशन रखा है। मैंने गरीबों के लिए बर्गर बना दिया है। 2009 में जर्मनी में सबसे बड़ा मीटलोफ बनाया गया था। 2009 में मिल सके ना पैदा हुई तब की बात है। वो मीटलोफ 50 फुट लंबा और 3118 किलो वजनी था। 3118 किलो अल्लाह तो भा बोला उस पे तुम बिस्तर लगा कर सो जाओ। उन्हें के शाबाश जे रो ठायो सागा दाई को तो ठाय दिमाग ही को तो कम कर कनी वन उ अल्लाह द परो दरे कनी उफ अल्लाह करे निशान दे परो के नई खुलोर तो ले संगत तो करो हम जे इतना छोटा नहीं खा सकते उतना बड़ा कैसे खाएंगे। राका से जो जो को मानू तो जिन वारो खाइंदो असंग तो बा कहीं को दो खा पूरा शहर भी आएगा नहीं खा सकेगा। असा जे गोठ में अगर अच्छे असा गोठ वारो तो बा गांदा जे एलो एको। मीटलोफ के बारे में कहा जाता है कि इसको बनाने के बाद वो अगले दिन ज्यादा जायकेदार हो जाता है। अखसिरा बच्चेरा फदान दावते मुचका कोनक बल्लो सबाब से दावत कैसी लगी? बहुत अच्छी ऐसी माजरत नाजरीन आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। वाह मेरे हाथों में क्या जादू है। नहीं ऐसी लगी बहुत अच्छी ऐसी मुझे ऐसी लगी इतना भलो लगो। मीठे सैंडविच खुद बनाकर खाने का तजुर्बा कैसा रहा? मुझे डाडो भलो लगो। बनाने में मज़ा आया खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। खाने में भी तो अच्छा लगा लेकिन बनाना भी अच्छा लगा। तो उन्होंने घर को डबल रोटी मदर को रखे ना मुर्गी मत बसर चमाटा बस देरी कौन थे
पहला जिंदगी ट्राई था इस तरह बनाते हैं, बिल्डिंगे बनाते हैं ना, इसीलिए इसको बनाने मज़ा आता है। हाँ अड़तों में आता खाने मजा थे, जोड़ कर नहीं तो खाने मजा थे, खुले तब जी अलग सिल तक खाने मजा थे, था ना था खाना उस कष्ट को। क्या आप इसे अपने घर वालों के बनाना चाहेंगे? जी हाँ, बाकी घर में बनाए तो बीबी बार बार मुझसे बनवाएगा। जो मानू समझो तारीख दें ठाई भी दो। जी नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो के कमेंट में बताओ की लगो वीडियो मुझे। मजीदी ख्वाहिश रे फिटो ना बाबू अल्हम्दुलिल्लाह नाना नमा मुलाकात मारो तो हम आपके लिए इंशाल्लाह इधर बैठे लेकर आएंगे, आपको जो पसंद है आप फरमाइश करते जाएं, हम लेकर आते रहेंगे, हमें दे इजाजत। कहाँ मिलता है वीडियो में? बाय बाय।